नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ में। आज हम दोस्तों पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में। फर्रुखाबाद से ज़िले से थोड़ी दूर पे एक गाँव है नगला नान करके। इधर से हम गुजर रहे थे तो एक मुझे तालाब जैसा दिखा, तो इस तालाब की बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। अगर हमारे इस तरफ नज़र डालेंगे तो यहाँ पर यह तालाब है, और इस तालाब की जो कहानी है, इस तालाब की जो हिस्ट्री है, महाभारत काल और रामायण काल दोनों से जुड़ी हुई है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा द्रौपदी कुंड। ऐसा बताया जाता है कि द्रौपदी का जन्म उसी कुंड से हुआ था, ऐसी मान्यता है। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से कंपिल, और पहले इस तालाब के बारे में आपको बता देते हैं। आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा द्रौपदी कुंड जो कि कंपिल में स्थित है। क्या कहानी है वहाँ की, हम वो भी आपको आगे चल के बताने वाले हैं। यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की जो हिस्ट्री है, हम आपको बता देते हैं। ये तालाब है, इस तालाब के जल में नहाने से आपके जो कुष्ठ रोग हैं, कई तरीके के जो कष्ट हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे, ऐसी मान्यता है यहाँ की। इस तालाब का नाम है चिंतामणि तालाब। अगर तालाब के आप चारों तरफ नज़र डालेंगे तो चारों कोनों पर गुम्बद बने हुए हैं। और हम आपको बता देते हैं, पांडवों के अज्ञातवास के दौरान उन्होंने कुछ दिन यहाँ पर बिताए थे पांडवों ने। और एक मंदिर है फर्रुखाबाद में, पंडेश्वरनाथ महादेव जी का मंदिर, जो कि युधिष्ठिर जी जब अज्ञातवास के दौरान जब यहाँ पर रह रहे थे तो इसी तालाब से जल भरकर उन्होंने पंडेश्वरनाथ महादेव मंदिर पर उन पर चढ़ाया था, ऐसा भी यहाँ का हिस्ट्री है, बताते हैं लोग। और रामायण काल के दौरान जब इधर से शत्रुघ्न जी श्री राम प्रभु के आदेशानुसार इधर से गुजर रहे थे तो इसी तालाब में उन्होंने भी स्नान किया था। ये थी यहाँ की हिस्ट्री। हम आपको तालाब एक बार ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ऐसा बताते हैं, यहाँ पर कोई एक बाबा रहा करते थे चिंतामणि, तो उनकी वजह से यहाँ पे तालाब बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री ताल वाले बाबा की जय, चिंतामणि तालाब नगला नान। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ पैसा भी डोनेट किया है, मतलब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, तो उन्होंने 19 लाख रुपया कुछ यहाँ पे दिया था, इस वजह से यहाँ का जो दीवार वगैरह सही हुई है। हम आपको बता दें, यहाँ पे जो पुरानी ईंट जो ये दिखाई दे रही है, ये है ईंट, ककया ईंट है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, ये मुगलकालीन ज़माने की ईंट है, इसे ककया ईंट बोला जाता है। और ये वही तालाब है, इस तालाब में नहाने से लोगों के जो रोग हैं, जो विकार हैं, जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, सारी दूर हो जाती हैं, यहाँ की मान्यता है। यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है, और ये तालाब है पूरा, देख सकते हो। अभी एक यहाँ पे जो सज्जन थे वो स्नान कर रहे थे, तो हमने उनसे ये बात पूछी थी। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से कंपिल। कंपिल में जो द्रौपदी कुंड है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये इतना ही है तालाब, अभी भी इसमें जल है, लोग यहाँ पर श्रद्धा अनुसार अपने हिसाब से नहाने के लिए आते हैं। नगला नान से आ गए हैं कंपिल। कंपिल में जो हमने जैसा कि आपको बताया था, ये है द्रौपदी कुंड जो हम सामने देख रहे हैं, और वो कपिल मुनि की बता रहे हैं कि यहाँ पे वो कुटी है। अभी उसको मतलब अच्छे से बना दिया गया है। पहले क्या है, पहले के ज़माने में अच्छे वो कुटी होगी क्योंकि घास फूस की होगी। अभी देखो, हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये द्रौपदी कुंड है और ये है कपिल मुनि की कुटिया। और जस्ट अगर आप इधर नज़र डालेंगे, अभी एक भैया मिले थे, तो ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, यहीं पे हुआ करता था राजा द्रुपद का किला। राजा द्रुपद की पुत्री थी द्रौपदी, और यहाँ पे वो ऋषि रहते थे, तो यहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई होगी हमारे हिसाब से। महाभारत की शुरुआत जो है यहीं से हुई थी, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये द्रौपदी का गांव या द्रौपदी का घर बोल सकते हैं। महाभारत की जो लड़ाइयाँ हुई, ऐसा मानते हैं कि एक स्त्री के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई, जब उन्होंने कह दिया था दुर्योधन से कि अंधे का पुत्र अंधा। इस वाक्य पर पूरी महाभारत की, मतलब एक तरीके से महाभारत छिड़ गई और सभी का अंत हुआ। अब क्या सच्चाई है यहाँ की, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे द्रौपदी कुंड है, इस कुंड में जल भरा जाता है, और इस जल में लोग स्नान और मतलब नहाने के लिए, कुछ लोग नहा भी लेते हैं, कुछ लोग जल भी छिड़क लेते हैं कि पवित्र के चलते। और ये पीछे है ऋषि की वो कुटिया, और एक ये जो भी हम कंपिल में अभी खड़े हुए हैं, इसे बोलते हैं मंदिर, गहरा मंदिर, पता नहीं
सात मंजिल पता नहीं कौन सा बोलते, इसमें मंजिल गिरने पड़ेंगे। ये पूरा मंदिर है, एक बिल्डिंग टाइप में बना दिया गया है, सबसे बड़ा मंदिर है ये यहाँ का। अगर आप सामने की तरफ आएंगे हमारे तो यही है वो द्रौपदी कुंड, और ऐसा बताते हैं कि इसी कुंड से द्रौपदी जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जितनी भी मुझे जानकारी मिली है इंटरनेट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस कुंड को पार्क की तरह मतलब डेकोरेट कर दिया गया, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है कंपिल के अंदर वो यही सब देखने के लिए है। जैसा कि हम नगला नान में भी हम आपको बताए थे कि शत्रुघ्न जी जब अयोध्या से आ रहे थे इधर से, तो यहाँ पे एक शत्रुघ्न जी का मंदिर भी बना हुआ है। जब उधर से बताया कि श्री राम के आदेशानुसार जब मथुरा को जा रहे थे तो इधर से ही गुजरे थे, जिस तालाब को मैंने दिखाया उस तालाब में स्नान भी किया था, इधर उनका एक मंदिर भी बनाया गया। ये कपिल मुनि की कुटिया है और ये है तुम्हारा द्रौपदी कुंड, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ का क्या हिस्ट्री है जो ये अभी हम बता रहे थे, ये द्रौपदी कुंड है, क्या है यहाँ की कहानी? द्रौपदी कुंड है सर यहाँ पे। हाँ अच्छा, और ये कपिल मुनि की महाराज, जिसके द्रौपदी कुंड के ऊपर कपिल मुनि की महाराज की मटिया है। अच्छा, कौन सी कपिल मुनि की मटिया? कपिल मुनि ये वाइट वाली। हाँ, ये जो सौ पुरुषों की बोला आए थे गंगा जी भगीरथ, अच्छा, जो राजा गंगा आई थी तो इन्हीं यहाँ भी रुकावट थी, उन्हीं ने छोड़ा था, तभी वही गोपी। ये द्रौपदी कुंड है राजा द्रौपदी का किला, जो किला है इस साइड के साथ। अंकल जी, मैंने ये सुना कि द्रौपदी का जो जन्म हुआ था इसी कुंड से हुआ? नहीं नहीं, जन्म तो हुआ है तो वो तो हुआ है, मगर यहाँ स्नान अपना करने आती थी। अच्छा, स्नान करने आते हैं, वहाँ भी आती, वो बना हुआ पार्क। अच्छा, उधर भी। हाँ, ये है कि इधर भी, और ये राजा कृष्ण कुंड है, ये राजा कृष्ण का, ये शत्रुघ्न स्थापना का मंदिर है पीछे, पुरानी ये वाला मंदिर। हाँ, मंदिर पीछे वाला मंदिर। किनका मंदिर है वो? शत्रुघ्न स्थापना, पुराना शत्रुघ्न। अच्छा, उनकी पुरानी जगह है, पुराना। अच्छा, जब वो मथुरा के लिए जा रहे थे। हाँ, तब वो इधर से शत्रुघ्न जी निकले हैं। हाँ, शत्रुघ्न स्थापना वो ही है। अच्छा, पुराना मंदिर है। ये जो मंदिर है 11 मंजिल का, ये राधा कृष्ण का मंदिर अभी बना, राधा कृष्ण का। अच्छा, जो बिल्डिंग जैसे दिख रही है मंदिर है? हाँ, मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है, 11 मंदिर बाबा को बताया, बाबा भी 13 समझ हो गई उनकी, छोड़ गए अभी। अच्छा, ये जो किला बना हुआ, ये बनी हुई है, तो इनका ये किला है ऊपर हमारी। अच्छा, किला भी यहाँ पर है? किला भी है। हाँ, किला। किनका किला है वो? राजा द्रौपदी का किला। द्रौपदी का किला। हाँ, उनकी पुत्री थी द्रौपदी। और क्या जी। अच्छा, द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी? और क्या जी। अच्छा, सब तो ये सब अपना है ही है, यहाँ का तो महाभारत तो यहीं से तैयार हुई है। अच्छा, आपकी खेती बस गई है। हाँ, अब अपने किसानों लोगों को खेती करने लगी, उसकी कोई इमेज रही नहीं है। हाँ, अब उसके बाद में द्रौपदी कुंड है, द्रौपदी कुंड की कोई इमेज रही नहीं थी, अब जब से चेयरमैन हुई तब तो इतना सौ भी बनवा दिया अभी। अच्छा, पहले परेशान होते थे, डूब डूब भी जाते थे बच्चे, तो पैसा था लोकल। अच्छा, ये जो महाभारत हुई, अभी बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा हमारे देश में कि द्रौपदी कहाँ की थी, जो अभी ये भी नहीं बना, इसको पैसा लगाया, पैसा आया यहाँ चेयरमैनी का। अच्छा, उन्होंने अभी तरक्की करवाई, यहाँ के पैसा भेजेंगे, बाहर लोगों भेज रहे हैं, जैनी लोग और भी, तो उसकी तरक्की अभी ये कराई जा रही पुरानी जगह की। अच्छा अंकल जी, यहाँ पे मतलब टूरिस्ट आते हैं जी घूमने के लिए? सब घूमने के लिए बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं सर, ऑस्ट्रेलिया, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मेला दो उसको कार्तिक को और दशहरों के मेला यहाँ लगते हैं, बहुत बहुत भारी मेले लगते हैं। अच्छा, हाँ, पूरा भर दिया जाता है इसको, तो मतलब पहले ये ज्यादा वो जाती, खाली लगी नहीं थी, अब तो बहुत स्टार्टिंग करती है, मशीनें लगा दी। अच्छा, ऐसा माने कि द्रौपदी का जन्म यही हुआ था, यहीं की रहने वाली थी वो? अच्छा, द्रौपदी यहीं है का किला, फिर उनकी शादी यहाँ से हस्तिनापुर में हुई थी ना? हस्तिनापुर में, राजा द्रौपदी की नगरी कंपिल में थे, द्रौपद राजा यहीं के रहने वाले थे, द्रौपदी जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी, वो कुंड भी दिखाया, जो तालाब था वो दिखाया, यहाँ का जो द्रौपदी कुंड था वो भी दिखाया। यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो घूमने लायक हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, ये सारी जानकारी इंटरनेट और स्थानीय लोगों से जुटाई गई थी, इस बात की हमारा और हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता है। और अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, फर्रुखाबाद से कुछ ही दूरी पर ये कंपिल शहर है जो बहुत ही धार्मिक है। महाभारत की ऐसा बताते हैं कि शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। कुछ इस तरीके के बदतमीज लोग हैं, इन लोगों के लिए बोलना जरूरी है, वो देख के हंस रहा था जो हारन बजाया ही जा रहा था, लेकिन माइक लगा रखी, उसे नहीं पता कि आवाज़ यहाँ तक आएगी। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।